नमस्कार अधा सत अधा गप गत सप्ताह आम यात्रा आरंभ करथिलु भविष्य बद्रीधाम को स्कंद पुराण रे महर्षि व्यास भविष्यवाणी करथिले जे कली युग शेष हेबा परे आजिर बद्रीनाथ धाम अदृश्य होइजिबो कारण एक भयंकर प्राकृतिक विपर्यय परे नर और नारायण नामक दुईटी पहाड़ परस्पर सह जोड़ी होइजिबो एवं सबुदिन पई बंद होइजिबो बद्रीनाथ धाम को जीवा उद्दिष्ट रास्ता से समय हिमालय दुर्गम अंचल आउ एक धाम भगवान बद्रीनारायण के दर्शन मिल रहस्यमय धाम दृश्य को आपण मानने उपस्थापित करने आम उत्तराखंड जोशी मठ दे आरंभ करूँ दुस्साहसिक जात्रा आसतु एथर जात्रा जारी रखा भविष्य बद्रीनाथ को प्राचीन धर्मग्रंथ स्कंद पुराण में रही एक अद्भुत भविष्यवाणी यार रचयिता महर्षि वेदव्यास वर्णना अनुजाई चारिधाम मध्यरे अन्यतम बद्रीनाथ धाम दिने अदृश्य होइजिबो यार कारण पृथ्वी पृष्ठ रे सृष्टि हेबो भयंकर प्राकृतिक विपर्यय आउ बद्रीनाथ धाम को जाउथिबा रास्ता रे थिबा दुई पहाड़ नर और नारायण जोड़ी होइजिबो जहार फलस्वरूप रास्ता संपूर्ण बंद होइजिबो एवं बद्रीनाथ धाम लोप पाइजिबो किंतु सेतेबेले भक्त माने भगवान बद्रीनारायण को दर्शन करि पारिबे आउ एक स्थान रे जेउ स्थान संपर्क रे महर्षि वेदव्यास वर्णना करिछंती एहा को भविष्य बद्रीधाम कहा जाए एही स्थानटी एक दुर्गम अंचल रे अवस्थित कुहा जाए सेठारे मंदिर रे संध्या समय रे घंट घंटार शब्द सुना जाए आउ एक विचित्र कथा हेउची सेही धाम रे एक शिला रे भगवान विष्णुंकर स्वरूप आपे आपे विकसित हेउची सेही विचित्र पीठ को लोकलोचन को आणिबा पई आमे संकल्पबद्ध हेलु एवं आरंभ कलु आमर यात्रा आम यात्रार प्रथम पर्याय थिला जोशी मठ कारण जोशी मठ दे आमको जीवाक पड़ जोशी मठरे अवस्थित नरसिंह मंदिर कहा जाए भगवान नरसिंह मूर्तिर हाथ धीरे धीरे ह्रास पाउची जोदिन मूर्तिर हाथ संपूर्ण भाव छिन्न हो दिन ही बद्रीनाथ धाम अदृश्य हो जोशीमठ के बारे में आपको मैं बताऊं जोशीमठ एक तरह से हिमालय का दिल है और सारे रास्ते यहीं से निकलते हैं गढ़वाल से हमको जाना है तपोवन तपोवन यहां से 15 किलोमीटर दूर है और तपोवन पहुंचकर हमें अपनी अगली मंजिल का पता चलेगा भविष्य बद्री का रास्ता पता चलेगा वो रास्ता जो पैदल है मुश्किल है लेकिन भविष्य बद्री तक हमको लेकर जाएगा यही यात्रा रे हमारे परवर्ती गंतव्य स्थल थिला तपोवन किंतु प्रश्न उठे एहिपरि भावरे कौन आमे भविष्य बद्रीधाम पहुँची पारू जदि पहुँची गलु ताठारे कौन से स्वयंभू शिला देखा मिल विकसित होता भगवान विष्णुंकर स्वरूप देखा मिल किंतु तपोवन ठारू पहाड़ सबु प्रहेली सृष्टि कला रास्ता को बुझिपारू जदि जीवु तो क्यों दिगरे जीवु आम यही गोलक धंदे धनी होता बेले जड़े अजणा साधु कथा आमको साला तो भविष्य बद्री कोई कल्पना नहीं है ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के दिमाग की उपज है कई पुराणों में इसका जिक्र मिलता है परेशानी सिर्फ ये है कि रास्ता नहीं था क्या जी भगत जी भविष्य बद्री जा रहे हो हाँ पंडित जी भविष्य बद्री जा रहे हो जी आओ मैं बताता हूँ भविष्य बद्री के आपको पता है भविष्य बद्री के बारे में हम तो यही रहते हैं अच्छा 12 महीना अच्छा एही सन्यासिंग कथा अनुजाई तपोवन ठारु 12 किलोमीटर दूर रिंगी गाँ ठारु भविष्य बद्रीर पर्वत आरंभ हुए आमे जाणी आश्चर्य हेलु जे बद्रीनाथ भळि भविष्य बद्रीधामरे मध्य गरम पानीर एक प्राकृतिक कुंड अछि यहाँ पे जब आया था तब इतनी बड़ी मूर्ति थी ज्यादा बड़ी नहीं अब तो इतनी बड़ी हो गई है अच्छा तो ये तो चमत्कार है हाँ चमत्कार है ये तो जैसा बद्रीनाथ में कुंड है वैसा ही कुंड यहाँ भी है हाँ वैसे कुंड गर्म पानी का
तो क्या करें, पहले यहाँ जाएं? हाँ यहाँ भी है, ये गरम कुंड और आगे है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। अच्छा, तो वहाँ जो है पीली मिट्टी निकलती है। अच्छा, वास्तविक भविष्य बद्री ठार प्राय 10 किलोमीटर पूर्व ठीक से हीपरी एक उष्म प्रस्रवण देखा मिलला। जहाँ आज बद्रीनाथ धाम निकट में अच्छी। मैंने भी बहुत सारे जल स्रोत इस तरह के देखे हैं, लेकिन इतना ज्यादा बॉइलिंग वाटर मैंने कभी नहीं देखा। बिल्कुल उबल रहा है ये पानी, और आप इसमें हाथ तो क्या, उंगली भी टच करेंगे तो जल जाएगा, इतना ज्यादा गर्म है। मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, नहीं तो मैं आपको टेम्परेचर भी दिखा देता, लेकिन 100 डिग्री से तो ऊपर ही है, क्योंकि पानी बॉइल करता हुआ आंखों से दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल उस तरह से जैसा बद्रीनाथ में है, उसी तरह का स्वरूप, और लोग यही कह रहे थे कि जैसा जैसा बद्रीनाथ में है, बिल्कुल सेम आपको भविष्य बद्रीनाथ में मिलता जाएगा, वही सब होता जा रहा है। और जब बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा तो वही भविष्य बद्री होगी जहाँ पर लोग जाएंगे। आमे लक्ष्य स्थल ठारू मात्र 7 किलोमीटर दूर रे थिलु। यहाँ परे आमे देखि पारिबु भविष्यतर बद्रीनाथ, जहार वर्णना पुराण रे करा जायछि, धर्मग्रंथ रे अछि, किंतु वास्तव रे यहाकु अल्प किछि स्थानीय अधिवासी व्यतीत अन्य केही देखि नहंती। किपरि होइथिबो भविष्य बद्रीनाथ एवं किपरि होइथिबो यहार अलौकिकता, सतरे कौन सेठारे आमकु एक स्वयंभू शिला देखिबाकु मिलिबो? सही शिलारे कौन भगवान विष्णुंकर स्वरूप देखिबाकु मिलिबो? जदि मिलिबी गला तेबे पुराणर भविष्यवाणी कौन सत? बद्रीनाथ एवं बेस दूर नाला, किंतु से भविष्यवाणी को विश्वास करने आम मन मानु नाला, मन है निज गाँव को प्रसिद्ध करने एपरी दाबी करा जाऊनी तो पर्यटक मानक आकृष्ट करने गाँ लोक एपरी प्रचार करूना तो कितु सेठे बहु कष्ट पहाड़ चढ़ी पहुँचापे पा आम जहाँ देख लुक देखी आम होश उड़ीगला। मन है पुराणर से ही कहानी आम आखि सामने से धाम आम आउ कि घटना देख लु जार वर्णना ना स्कंद पुराण रे थिला ना नारक संहिता रे। तपोवन रिंगी गाँ ठारु आमे भविष्य बद्री धाम को जीवा पाई पहाड़ चढ़ीबा आरंभ कलु। पुराण वर्णित तथ्य को चैलेंज करिबार कौनसी अभिप्राय आमर नथिला, आमे केवल भगवान विष्णुंकर से ही अद्भुत धाम को देखा चाहूलु ता सतरे अच्छी कि नहीं, जदि अच्छी तेरे के रूपरे अच्छी। सात किलोमीटर पहाड़िया रास्तार पाग साहय करुला, तेरे एत उच्चतार मेघर प्रकृति बदलवा एक साधारण कथा। प्राय 1.5 घंटार रास्ता परे आमे सलधार रे पहुंचिलु। तो 1.5 घंटे की करीबन चढ़ाई हमारी पूरी हो चुकी है, बहुत धीमे धीमे चढ़ाई करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है, और सलधार गांव पहुंच चुके हैं। ये पहला गांव है बद्रीधाम से पहले, जो भविष्य बद्री है उससे पहले एक गांव ये पड़ेगा, एक गांव अभी और आगे पड़ेगा, लेकिन ये गाँव है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी गाँव वाला नहीं है। हमें नीचे ही पता चला था कि ये सीज़न है एक जड़ी का, एक बेहद कीमती जड़ी जो जंगल में मिलती है, और सभी गांव वाले उस जड़ी को लेने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी गांव वाला नहीं है। हम सोच रहे थे थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं है, अब हमको आगे ही चलना पड़ेगा। आमर परवर्ती गंतव्य स्थल थिला सुभाइका, किंतु सलधार ठारु आगुकु जिबा परे पागर अवस्था बदलिबाकु लागिला। किछि समय मध्यरे झिपिझिपि वर्षा आरंभ होइगला। एक साइन बोर्ड देखिबा परे आमे आश्वस्त हेलु। तो भविष्य बद्री का एक प्लाक यहाँ पर लगा हुआ है, किसके लिए लगा है पता नहीं, क्योंकि कोई आता जाता तो है नहीं, और पहली लाइन यही लिखी है कि तपोवन से भविष्य बद्री तक पैदल ही पहुँचा जा सकता है, और 2744 मीटर की ऊंचाई पर हम इस वक्त हैं। अब इसे फुट में मैं आपको बता सकता, लेकिन मेरा इंटरनेट फ़ोन ही काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन हम कितनी ऊँचाई पर हैं आप अंदाज़ा लगाइए, हिमालय की सबसे ऊँची चोटियों में से हैं, और
हम बिल्कुल यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बादल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे सामने ही तैर रहा हो। जोर ने वर्षा हेबारु आमको गोटे घरे आश्रय नेबाकु पड़िला। परे वर्षा बंद हेबा परे लक्ष्य स्थल दिगकु आगेइलु। किंतु प्रश्न उठुची, जदि भविष्य बद्री अछि ताहाले पुराण वर्णित भविष्यवाणी सत हेब कि? सतरे कौन एमिति भी दिन आसिब बद्रीनाथ को जीवार रास्ता बंद होइछिब? सेतेबेले कौन बद्री नारायण को दर्शन पाई भक्त माने यही रास्ता देइछिबे? तो पिछले 3.5-4 घंटे की जो हम चढ़ाई कर रहे थे उसके बाद फाइनली मंजिल दिखाई देने लगी है। वही सुबाई गांव है और उससे थोड़ा सा ऊपर अगर आपको पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे तो वहां पर है वो बद्री धाम जिसकी तलाश में हम आए हैं। भविष्य बद्री, बर्फ से ढका हुआ पूरा पहाड़ और बर्फबारी हो रही है लगातार दिखाई दे रहा है। और सुबाई गांव के अंदर अब हम, शाम तो हो ही चुकी है तो सुबाई गांव में ही देखेंगे आसरा कहां से मिलेगा। और इसी गांव के लिए आए थे, वक्त बीत चुका है, ऊपर तो नहीं चढ़ पाएंगे लेकिन यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं। सुबाई गाँव रे रात्रि जापन पाई आमको आश्रय मिली गला। हम लोग सुबह निकले थे लेकिन बारिश की वजह से पहुंच अब पाए हैं। अच्छा, और भविष्य बद्री जाना है हमको। सर आज तो नहीं जा पाओगे आप। आज आप यहीं रुक जाओ, आप हमारे अतिथि हो आज के लिए। कल के लिए आपका प्लान, आज मौसम भी खराब है। सकाळे आमे भविष्य बद्रीनाथ संपर्क रे गाँव रे किछि लोकों को सह आलोचना कलु। एठारे भी सही स्वयंभू शिलार कहानी सुनिबा को मिलिला किंतु एक भिन्न शैली रे। तो शिला एकदम ऐसी थी, चट्टान एकदम प्लेन। इस हाथ पे अगर माला डाले तो नहीं टिकेगी, अगर छेद करना पड़ता भी टिकेगी। तो मेरे देखे देखे भगवान उसके नीचे जहाँ पर भगवान निकल रहे कुंड है वहाँ पर जल आता है। अब भगवान बीचों बीच उभर के आ रही। पहले तो प्लेन था, ऐसा पत्थर प्लेन था, कपड़े नहीं टिकते थे, माला नहीं टिकती थी। अब भगवान बीचों बीच अपने स्वयंभू प्रकट हो रही है। किसी ने उस पर कोई हथियार नहीं लगाया, अपना आप हमारे देखे देख भगवान को काफी बड़े हो गए। माला 8-10 माला टिक सकती है। किंतु सती की बेले चमकी पड़िलु जेते बेले एही धाम संपर्क करे आउ एक अलौकिकतार कहानी सुनिलु। कुहा जाए सुनसान जंगल रे अवस्थित सही धाम रे संध्या परे किछि आश्चर्यजनक घटना घटे। यहाँ पे देखे तब तक एकदम प्रकाश हो रहा है और घंटी शंख बज रहे, शंख घंटी की आवाज आ रही, ढोल नगाड़ की आवाज आ रही। उन्होंने सोचा भाई कोई मंदिर पे है। वो आए मंदिर में, देखा यहाँ कुछ नहीं, ना उजाला ना कुछ, कम से कम मतलब 50 मीटर आगे से उन्होंने तो वहाँ पे पूरा प्रकाश देखा है। भविष्य बद्री धाम रे अदृश्य शक्ति को उपस्थिति रो दावी आमे प्रथम थर पाई सुनिलु। यही दावी सत ना कहानी ताहा सेठारे पहुंचिबा परे ही जणा पड़िबो। नमस्कार चाचा, भविष्य बद्री इधर? पहाड़ के रास्तों की दिक्कत यही होती है। देखिए पिछले आधे घंटे से हम चढ़ाई कर रहे हैं और कहाँ पहुँचे हैं हम? एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर अभी भी लिखा है भविष्य बद्री 2 किलोमीटर, यानी इतनी लंबी चढ़ाई का अभी कोई फायदा नहीं। और कहाँ है कुछ नहीं पता, चलते रहिए बस। सुभाई गाँव ऊपर को जीवा परे बरफावृत हिमालय दृश्य स्पष्ट भाव देखा जाउथिला। पछरे थिबा माइलस्टोन सठिक थिला। प्राय 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़ीबा परे भविष्य बद्रीनाथ धामर द्वार देखा गला। जहाँ संपर्क रे केवल पुराण रे पढ़ीबा को मिले, कहानी रे सुनिबा को मिले, सेही भविष्य बद्रीनाथ आम सामना रे थिला। आजीर बद्रीनाथ धाम परी एहा बड़ नुहे किंतु पुराणर पृष्ठारे लुचि रहिथिबा एपरी एक धाम को खोजिबारे आमे सफल होइथिलु।
तो आखिरकार हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, वो भविष्य बद्री मंदिर जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे राज हैं। क्या वाकई एक ऐसा मंदिर मौजूद है जो बद्रीनाथ का रास्ता बंद होने के बाद अपने आप प्रकट हो जाएगा? क्या वाकई एक ऐसी शिला मौजूद है जो अपने आप धरती से बाहर आ रही है? क्या वाकई कुछ ऐसे चमत्कार भी हैं जिनको देखकर सुनकर भी बिलीव नहीं किया जा सकता? क्या इस मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं? क्या यहाँ पर शंख की आवाज अपने आप आने लगती है? खैर, इन सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं इस भविष्य बद्री मंदिर में। आइए। यही धाम एक बड़ प्राकृतिक शिला थिला जहार निम्न अंश एक छोट कुंड थिला। ये हूँ से ही शिला जहाँ आपे आपे प्रकट हो दावी हुए। तो भविष्य बद्री के जिस चमत्कार की बातें हम पिछले कई दिनों से सुन रहे थे वो अब हमारे सामने है। अब देखिए यहाँ पर ये शिला दिखाई दे रही है। अब जैसा कि मैंने सुना था, अब मुझे पता नहीं, जैसा भी लोगों ने बताया कि शिला पहले बिल्कुल प्लेन थी, यहाँ पर ये आकृति नहीं थी, और अब आप देख सकते हैं कि एक पूरी आकृति उभर कर सामने आ गई है। एक चेहरा सा फॉर्म होने लगा है, हाथ दिखाई देने लगे हैं, पैरों की भी बात हो रही है। और जो लोगों ने बताया था कि पहले ये यहाँ था, और अब बढ़ते बढ़ते ये देखिए कि कितनी हाइट पर पहुँच चुकी है ये आकृति जो उभर रही है इसके ऊपर। और जिस कुंड के बारे में बात हो रही थी कि नीचे पानी मौजूद है, वो पानी भी नीचे आपको दिखाई दे रहा है। ये पानी यहाँ पर पहाड़ की बहुत ऊंचाई है, आपको पता है कितने घंटे हमको लगे हैं, कल से हम चले हुए तब यहाँ पहुँचे, इतनी ऊंचाई पर ये पानी अपने आप यहाँ पर मौजूद है। ये पानी कोई डालता नहीं है इस कुंड के अंदर, ये पानी लगातार यहाँ पर बना रहता है। तो ये आकृति जैसा लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि 50 60 70 साल पहले जब इस आकृति के बारे में पता चला था, इस जगह के बारे में पता चला था, तब ये इतनी प्लेन थी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ डालते थे तो वो टिकती नहीं थी, वो नीचे गिर जाता था। आप माला नहीं पहना सकते थे, आप कोई कपड़ा नहीं रख सकते थे। लेकिन इस वक्त आप देखिए पूरा कपड़ा यहाँ डाला हुआ है, माला डाली हुई है, ये जनेऊ डाला हुआ है, ये सब यहाँ पर डाला हुआ है और आराम से इसके ऊपर टिका हुआ है, क्योंकि पूरा सर का फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा है, पूरा सर का फॉर्मेशन यहाँ पर बन चुका है और ये आकृति अपने आप बड़ी होती जा रही है। अर्थात भविष्यतर जो बद्रीनाथ वर्णना पुराण रे अछि, जो शिला संपर्क रे ग्रंथ रे लिखा जाइछि, जहार संधान रे गत दुई दिन ठारु आमे पहाड़ रे घूरी बुलुथुलु ताहा सतरे अछि एवं ताहा आजि आम आखि सामना रे थिला। किंतु आमर अनुसंधान एबे संपूर्ण होइ नथिला, एबे एही धामरे दिव्य शक्ति संपर्क रे अनुसंधान करिवार थिला, जहाँ संपर्क रे गाँ लोक माने दाबी करुथिले एवं पूजक मध्य सही कथा कहिले। भगवान के मंदिर में कुछ दिखाई देता है, कभी कोई आवाज जैसी आती है यहाँ से तो वो सुनाई देती है। क्या आवाज सुनाई देती है? जैसे यहाँ पे जैसे ये घंटी वगैरह बजती है भगवान में, शंख की जैसी आवाज, घंटी जैसी, अपने आप जैसी ऐसी आवाज जैसी आती है यहाँ पे, जैसे जैसे कोई पंडित जी पूजा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ तो कोई होता नहीं है पूरे वक्त? होता तो नहीं है साहब यहाँ पे कोई। हाँ। जी, लेकिन शंख बजने लगता है, घंटियां बजने लगती हैं। शाम के टाइम पे ऐसा होता है, संध्या कालीन टाइम पे यहाँ पे ऐसा पूजा पाठ की जैसी आवाज आने लगती है। पूजकों को कथा आमको गोलक थंदारे पकाइला। सतरे कौन एही धामरे कौनसी अजणा शक्ति बसवास करती, जी प्रति संध्यारे निज उपस्थितिर प्रमाण दियंती? एही प्रहेली को समाधान करिबा पाई एबे संध्या पर्यंत अपेक्षा करिवार थिला। मुताबक संध्या परे ही किछि अद्भुत शब्द सुना जाए, जेतेबेले मंदिर संपूर्ण भावरे खाली हो जाए, सेही बाट दे जाउथुबा लोक माने कहंती, ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଢୋଲର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟ ବଦ୍ରୀଧାମରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଭବିଷ୍ୟ ବଦ୍ରୀଧାମରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତ ଅବ ଶାମ ହୋ ଚୁକି ହେ, ଦେଖିଏ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ ବି ଯା ଚୁକେ ହେ, ହମ୍ ୟହାଁ ପର ସିର୍ଫ
दो लोग बचे हुए हैं, एक हमारा सहयोगी है, तीन लोग टोटल। तो हम अब देखना चाहते हैं कि आखिर घंटियां बजेंगी या नहीं बजेंगी, शंख की आवाज आएगी या नहीं आएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी पता लगाना है। मंदिर ठारु दूर रे रही अजना शक्ति संपर्क अनुसंधान करिबार थिला, सुतरां आमे किछि जागारे कैमेरा लगाइलु। प्रथम गोप्रो कैमेरा आमे गर्भगृह सामनारे लगाइलु, द्वितीयटी मंदिर मेन गेट सामनारे लगाइलु। मंदिर भितर को जदि किए आसे ताहले एही कैमेरा रे निश्चय रेकर्ड हेबो। मंदिर में दो जगह मैंने कैमरास लगाए हैं, एक बाहर लगाया है गेट को जो देख रहा है, और एक अंदर लगाया है जो गर्भगृह को देख रहा है। और अब हम यहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठेंगे, जैसे मैंने बताया कि आवाज़ वहाँ नहीं आएगी, लेकिन वहाँ जाकर बैठेंगे और कुछ देर वेट करके देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव होता है, कुछ रिकॉर्ड होता है और क्या कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो वो करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमें मंदिर सामने बसी रही लू। मंदिर भीतर दुई कैमरा लगातार रेकर्डिंग होता, यहीपरि भाव अलौकिकतार अपेक्षार दुई घंटा बीतीगला, किंतु आमको कौन सी प्रकार शब्द सुनागला नहीं। इस जंगल में बैठे हुए मुझे करीबन दो घंटे बीत चुके हैं और मैं आपको बता नहीं सकता कि ठंड के मारे मेरा बुरा हाल है, और बादल जो है वो गहराता जा रहा है। डर यह है कि अगर कल की तरह बारिश हो गई तो फिर यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, और यहाँ रुकने का कोई इंतज़ाम, कोई जगह नहीं है। मंदिर में जो हमने दो कैमरास लगाए थे वो अभी वहीं पर हैं, मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी अभी तक, ना मुझे कोई घंटी की आवाज़ सुनाई दी है, ना मुझे कोई शंख की आवाज़ सुनाई दी है। और जैसा पुजारी ने बताया था और लोगों ने बताया था कि जैसे जैसे शाम का वक्त आता है सूरज डूबने से पहले वो आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि कोई पूजा करने आया है सूरज डूबने से पहले। अब सूरज डूबने ही वाला है, चंद मिनट ही बाकी हैं, अंधेरा हो चुका है, चारों तरफ झुरमुटा है बिल्कुल, और ऐसे में अब इस जंगल में रुकना बहुत ख़तरनाक है। तो एक बार देखते हैं उन कैमरा की जो फुटेज है उसे रिव्यू करके देखते हैं कि क्या उसमें कुछ नज़र आया, क्योंकि हमें सुनाई कुछ नहीं दिया। वैसे भी डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और पानी की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, तो मुझे लगता नहीं, लेकिन देखते हैं एक बार। चलिए, आमे दुईटी कैमरार रेकर्डिंग को अनुध्यान करूँ, किंतु किछि मिलिला नाही। गत दुई घंटा भितरे आमे कौनसी शब्द भी सुनि नथिलु, एहार अर्थ एठाकु केही भी आसी नाहंती। मैं चाहे ये रहा था कि यहाँ लोगों से ये पूछ सकूं कि क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक जब ज्यादा आवाज सुनाई देती हो या लोगों ने अमूमन आवाज सुनी हो, लेकिन यहाँ कोई इंसान नहीं है। एक पंडित जी थे, वो भी बहुत देर पहले चले गए, और हम यहाँ रुकना चाहते हैं लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वेदर हमें इजाज़त नहीं दे रहा है। ठंड बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे रात गहरा रही है ठंड बढ़ती जा रही है, बारिश तो हो ही रही है हल्की फुल्की, और बर्फबारी जैसा वेदर फोरकास्ट है बर्फबारी भी हो सकती है। तो मैं अब भविष्य बद्री में और ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, लेकिन जैसा कहा गया है कलयुग जब खत्म हो जाएगा तो आप बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकलेंगे, तो यहीं आपको बद्रीनाथ मिलेंगे। अजना शक्तिर उपस्थिति एक कहानी हुई पारे, किंतु भविष्य बद्रीधाम एक सत्यता। स्कंद पुराणर भविष्यवाणी केबे सत हेब ताहा त केही कहि पारिबे नाही, किंतु लोकंकर विश्वास आसंता समय सहित एही स्थानर संपर्क निश्चय रहिछि। ता न होइतिले एहार वर्णना पुराणरे होइ न थांता। आज तो समय हो जाइछि, अधशत अधा गप को एठी रखुछो। आसंता सप्ताह रे जानिबा आउ एक स्थान रो रहस्य, जेउडी थिबा अधशत अधा गप। विदाय दियंतु, नमस्कार।